आप सभी को मेरा नमस्कार नमस्कार। एक दिवसीय इस दिवस को मनाने के लिए किया गया है, जिनके आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन कुमार पटेल जी हैं, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट मेडिकल कॉलेज कोरबा से हैं, साथ ही IRCS SJA कैप के मेंबर भी हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि जी का मैं इस महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और किसी के हाँ सर, मेरी आवाज आई आपको? हेलो हेलो, हाँ मैडम, हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है जी सर, बाकी सब म्यूट है सर, आप स्पीच जी हेलो हेलो जी सर जी, तो मैडम जो दिख रही थी वो, अच्छा हाँ मैं चालू करूँ मैडम? हाँ बिल्कुल सर, स्टार्ट करिए, बाकी बच्चे म्यूट हैं। हाँ जी, तो चलिए बेटा, आज जो वर्ल्ड कैंसर डे है, तो आज कैंसर के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। आप सर को सुन पा रहे हैं बेटा? चलिए चलिए चलिए, हाँ तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कैंसर होता क्या है? ठीक, तो जैसे आप जानते हैं कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी में सामने आया हुआ है, कैंसर के कारण बहुत से डेथ हो रहे हैं। तो आज हम कैंसर को देखेंगे कि कैंसर क्या होता है, कैंसर होता है। तो ऐसा कि लोग जानते हैं बेटा कि जो हमारा शरीर बना है कोशिकाओं के बारे में बेटा आपने पहले, हेलो यस सर, हाँ कोशिकाओं के बारे में बेटा आपने, मैडम माइक सबके ऑन कर दीजिए ताकि ना क्या है वो कन्वर्सेशन हो सके। ठीक है ना, तो सबसे पहले ना बेटा हम बात करते हैं कि जो ये कैंसर होता है ये हमारे शरीर में बाल और नाखून को छोड़ के कहीं भी हो सकता है। बाल और नाखून को छोड़ करके कैंसर और टीबी ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो कहीं पर भी हो सकती हैं, हर जगह पे जहां पर हमारे शरीर में सेल्स हैं। अब जैसा हम लोग बात करते हैं, हमारा शरीर जो बनता है सबसे पहले सेल होता है, सेल जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं कोशिकाएं, है ना बेटा? तो जो सेल्स होते हैं yes, एक जैसे सेल्स, हाँ एक जैसे जो सेल्स होते हैं वो आपस में मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊतक, है ना? और ये ऊतक आपस में मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जिसको हम लोग बोलते हैं अंग, है ना?
ऑर्गन्स के बारे में हम लोग जानते हैं, हमारा बॉडी जो है इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन से बना है। एक्सटर्नल ऑर्गन जो आप हम देख पाते हैं हमारे आंख नाक कान हाथ पैर, और इंटरनल ऑर्गन जो हमारे हार्ट हो गए लंग हो गया हमारे जो विसरल ऑर्गन हो गए, है ना, और इन्हीं ऑर्गन से मिलकर के हमारा शरीर बना। तो ये जो हमारे सेल्स होते हैं, अगर हम एक सेल की संरचना को समझने की कोशिश करें तो एक सेल जो बना होता है, जैसे आप लोग सब कॉलेज के स्टूडेंट है ना, तो अपना जो कॉलेज है बेटा, अगर हम आपके कॉलेज की स्ट्रक्चर को एक सेल के स्ट्रक्चर से तुलना करें, है ना, तो हमारे कॉलेज में जैसे एक बाउंड्री वॉल होती है, बाउंड्री वॉल होती है ना बेटा अपने कॉलेज में, yes, तो वो जो बाउंड्री वॉल होती है ना बेटा, वैसा हमारे सेल में एक सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल जिसको कि हम कोटा की द्वारा बोलते हैं, है ना। और जैसे आप लोग के कॉलेज में बेटा एक चौकीदार होता है, चौकीदार का काम क्या है बेटा, चौकीदार का काम क्या होता है, रखवाली करना, और चौकीदार जो होता है बेटा वो सबको अंदर नहीं आने देता है ना, चौकीदार जो होता है बेटा वो सिलेक्टेड लोगों को ही अंदर आने देता है, सिलेक्टेड लोगों को बाहर जाने देता है ना। जैसे अगर कोई अचानक आपके कॉलेज में आएगा तो हाँ, तो पहले पूछेगा ना बेटा कि आप कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं, है ना। तो वैसे ही बेटा हमारे सेल में ना सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका भित्ति, है ना। तो ये कोशिका भित्ति क्या करती है, सारी चीजों को सेल के अंदर नहीं आने देती, कुछ सेलेक्टिव चीजों को सेल के अंदर आने देती है और कुछ सेलेक्टिव चीजों को सेल से बाहर जाने देती है ना। तो हमने दो स्ट्रक्चर अभी देखा, एक तो सेल वॉल बाहर की दीवार और एक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मतलब की जो उसका चौकीदार है ना। अब हम अंदर आते हैं बेटा, अंदर आते हैं तो जैसे आपके क्लासरूम होते हैं बेटा, क्लासरूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। कॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट क्लासरूम होता है बेटा आपका, जहां पर आप बैठ करके पढ़ाई करते हैं, है ना जी सर, है ना बेटा। हाँ, तो क्लासरूम में जैसे अपन क्या करते हैं बेटा, अपना तन मन धन देकर के पूरा पढ़ाई करते हैं, वैसे ही हमारे सेल में बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। क्या बोलते हैं बेटा, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस, है ना। हाँ, पावर। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, यहीं पर हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, हम जो भी खाना खाते हैं ना वो इसी जगह पे आकर के एनर्जी मिले, है ना बेटा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर केंद्र, क्या बेटा, न्यूक्लियर केंद्र, न्यूक्लियर केंद्र, न्यूक्लियर का केंद्र। अब बेटा जैसे आपके कॉलेज में प्रिंसिपल है, है ना, तो प्रिंसिपल आपके कॉलेज के हेड है, समझिए प्रिंसिपल का क्या होता है, प्रिंसिपल का काम क्या है बेटा अपने कॉलेज में, कॉलेज बच्चे ढंग से चलाना सर। हाँ, मतलब कॉलेज को कंट्रोल से चलाना है ना बेटा, कॉलेज के ऊपर वो कंट्रोल करके रखते हैं कि भाई कॉलेज को कैसे चलाना है, कॉलेज की टाइमिंग क्या रहेगी, कॉलेज में क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशन रहेंगे। ठीक ऐसे ही ना बेटा, हमारे जो सेल होती है, हमारी जो कोशिका होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस हमारे सेल का प्रिंसिपल है, समझिए। ठीक है, यहाँ तक अपन समझ गए बेटा, जी यस सर, है ना बेटा। तो हम लोग ना अभी कैंसर होता क्या है इसके बारे में समझ रहे हैं, तो कैंसर जो है कोशिकाओं से चालू होता है बेटा, सेल, है ना। हमारा जो है एक कोशिका, कोशिका से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और उससे पूरा हमारा जो है बॉडी बना है ना। तो जब एक कोशिका का जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है ना, अगर उस केंद्रक का उस कोशिका पर कंट्रोल खत्म हो जाए, है ना बेटा, समझ रहे मेरी बात को, कोशिका के केंद्रक का कोशिका पर कंट्रोल खत्म हो जाए, जैसे आपके कॉलेज में मान लीजिए प्रिंसिपल है, क्या होगा कि प्रिंसिपल के नहीं होने से कॉलेज में जो प्रिंसिपल का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, है ना बेटा, है ना जी सर। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा बेटा, मान लीजिए एक दिन पता चला कि आज प्रिंसिपल सर नहीं आए हैं, आप सब अपनी मर्जी का कर सकते हैं, तो उस दिन कॉलेज में कैसा माहौल रहेगा, अव्यवस्थित हो जाएगा सर कॉलेज, है ना बेटा, सब अपने हिसाब से काम करना चालू, अनुशासन नहीं रहेगी। हाँ, वेरी गुड, अनुशासन नहीं रहेगी, है ना बेटा। तो
ठीक वैसे अच्छा एक एग्जांपल अपन लेते हैं बेटा, ठीक है ना, आप लोग को क्योंकि आप लोग कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को कैंसर को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। आपके कॉलेज में बेटा एग्जाम होना था, ठीक है ना, एग्जाम होना था बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेट किया गया, ठीक है, यहां तक अपन समझ गए बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेट किया गया और एक प्यून को बोला गया कि इस क्वेश्चन पेपर को आपको फोटोकॉपी करना है ना। तो मान लीजिए जैसे आपके क्लास में स्टूडेंट है बेटा, कितने स्टूडेंट हैं आपके क्लास में, सपोज 50 है ना, हाँ चलिए 49 स्टूडेंट है आपकी क्लास में। तो उस प्यून को कहा गया कि इस जो क्वेश्चन पेपर है इसको बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से, गोपनीय तरीके से आपको 49 कॉपी करना है। कितनी कॉपी करना है बेटा, 49 कॉपी करना है बोले, है ना। अब वो प्यून गया आपके लाइब्रेरी में, है ना, और उसको पता चला कि आज प्रिंसिपल सर नहीं है यहाँ पर, है ना, उसको पता चल गया कि आज प्रिंसिपल सर नहीं आए हुए हैं। अब उसने जो है वहां पर क्या किया, फोटोकॉपी करना चालू किया, और फोटोकॉपी करते 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 उसकी कम से कम 1000 कॉपी कर डाली। कितनी कॉपी कर डाली बेटा, 1000। अब वो जो है उसको फोटोकॉपी करते जा रहा है करते जा रहा है, तो जब किसी को पता चलेगा कि इतनी सारी कॉपी कर रहा है, इसको क्वेश्चन पेपर बनाना है कि न्यूज पेपर बनाना है, तो लोग क्या बोलेंगे, वो पागल हो गया है, बोलेंगे ना बेटा, पागल हो गया है, वो तो उसके कई कॉपी निकाल रहा है ना। तो ठीक उसी तरह से ना बेटा, जब हमारे सेल में कोशिका में एक सेल डिवीजन होता है बेटा, सेल डिवीजन जिसको कि हम लोग ना कोशिका विभाजन बोलते हैं, है ना, तो कोशिका विभाजन में क्या होता है बेटा, हमारे सेल की कोशिकाओं में दो तरह का विभाजन होता है, एक माइटोटिक और एक मियोटिक, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, है ना। तो हमारा शरीर बढ़ता है ना बेटा, हम छोटे में इतना बड़े रहते हैं, फिर बड़े होते जाते हैं, फिर बड़े होते जाते हैं, फिर हमारा शरीर बढ़ते जाता है, जी है ना, ये सब ना बेटा कोशिका विभाजन की वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से, है ना। अब मान लीजिए कभी कुछ कारणों से ऐसा हुआ कि हमारे सेल के न्यूक्लियस का कंट्रोल सेल पे से खत्म हो गया और सेल पागलों की तरह ग्रोथ करनी चालू कर, किसकी तरह बेटा, पागलों की तरह, मतलब ना सेल डिवीजन पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, मतलब एक सेल से बहुत सारी सेल बननी चालू हो गई, है ना, जैसे वो प्यून पागल हो गया था ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पेपर वो छाप रहा था, वैसे ही जब हमारे बॉडी की कोई सेल में उसके न्यूक्लियस का कंट्रोल खत्म हो जाए और उसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने चालू हो जाए, है ना, क्या होता है बेटा, जो समसूत्री विभाजन होते हैं उसमें जितनी कोशिकाएं उतनी बनते जाती है, 32 है तो 32 बनते जाएंगी, है ना, अर्धसूत्री में 32 है तो उसमें 16 बनते जाएंगी, पर जो कैंसर की सेल होती है ना उसमें अनकंट्रोल्ड, है ना, मतलब उसमें कोई काउंटिंग नहीं है कि कितनी सेल बनेगी, मतलब वो सेल पागलों की तरह ग्रोथ करेगा, है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि ये कैंसर का सेल है। मैडम, तो हमारे शरीर में अगर कोई भी कोशिका पागलों की तरह ग्रोथ करे तो हम बोलेंगे कि ये कैंसर की सेल है ना। यहां तक अपन समझ गए बेटा, जी सर। हाँ, अब ना थोड़ा सा अपन कैंसर को डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा, जो कैंसर है ना, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब बीमारियों को ना हम बेसिकली दो भाग में बांटते हैं, है ना, एक को बोलते हैं बेटा हम कम्युनिकेबल डिजीज और एक को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। तो कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है ना बेटा, वो ऐसी डिजीज होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है ना, जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से वो डायरेक्ट एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। जैसे एक कम्युनिकेबल डिजीज का नाम बताओ बेटा, कोरोना। कोरोना बहुत बढ़िया, है ना, अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोरोना, जो एक दूसरे के डायरेक्ट संपर्क में आने से फैलता है, इसीलिए हम लोग देखो डबल डबल मास्क पहन करके हॉस्पिटल में बैठे हैं, ग्लव्स पहन करके बैठे हुए हैं, है ना, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है ना, इसको बोलते हैं बेटा कम्युनिकेबल डिजीज। और दूसरी जो होती है वो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक साथ बैठने उठने, एक दूसरे के संपर्क में रहने, एक दूसरे को छूने से नहीं फैलती, इसको मेडिकल की भाषा में बोलते हैं बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। ऐसी एक बीमारी बताओ बेटा जो एक दूसरे के संपर्क में रहने से नहीं फैलती, डायबिटीज।
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जैसे डायबिटीज आपने कहा, डायबिटीज की बीमारी एक दूसरे के संपर्क में रहने से नहीं फैलती, ठीक उसी तरह से कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है बेटा, है ना। मतलब ये बीमारी एक दूसरे के संपर्क में रहने से नहीं फैलती। तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा अंधविश्वास या ऐसी गलत भावनाएं रहती है कि अगर किसी को कैंसर है और हम उसकी सेवा करेंगे, हम उसको खिलाएंगे, हम उसको पिलाएंगे, हम उसको दवाइयां देंगे, तो वो कैंसर हमें स्प्रेड हो सकता है। हमको इस भावना को बिल्कुल अपने मन से निकाल देना है ना बेटा। कैंसर पूरी तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलती, ठीक है। यहां तक अपन समझ गए बेटा? अभी तक जो हमने बात की बेटा कि कैंसर हमारे शरीर के किसी भी कोशिका, है ना बेटा। मैंने आपको कहा कि कैंसर जो है बाल और नाखून को छोड़ करके कहीं भी हो सकता है शरीर में, कहीं भी, है ना। तो जब किसी जगह की कोशिकाएं अचानक से पागलों की तरह ग्रोथ करनी चालू कर दे, अचानक से कोई सेल में अनकंट्रोल्ड डिविजन होना चालू हो जाए, तो हम बोलते हैं कि ये कैंसर का सेल है ना। और हमने एक बात की कि कैंसर जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये एक दूसरे में डायरेक्ट नहीं फैलता है ना। यहां तक अपन समझ गए बेटा? अब हम देखते हैं कि कैंसर होता क्यों है, है ना बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैंसर होता क्यों है। हमने एक चीज समझ लिया कि कैंसर क्या होता है ना। उसके बाद हमको समझना है कि कैंसर होता क्यों है ना बेटा। तो कोई भी बीमारी को होने के लिए ना बेटा तीन चीजें चाहिए, एक ट्रायड रहता है ना। चलिए मैं आपको वहीं कराऊंगा, है ना। एक ट्रायड होता है बेटा, ट्रायड एक ट्रायंगल, तीन चीज के लिए जरूरी होती है कोई भी बीमारी होने के लिए, है ना। कितनी चीजें जरूरी होती है बेटा? तीन चीजें। जैसे कि मान लीजिए बेटा हम बनाना चाहते हैं, कॉफी बनाना है हमको, ठीक है ना। तो कॉफी बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए बेटा बताइए? कॉफी पाउडर, पानी, दूध और शक्कर। दूध और शक्कर, ठीक है बेटा। हमको कॉफी पाउडर चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए और शक्कर चाहिए, है ना बेटा। अब ठीक उसी तरह से, अच्छा आप बताइए कि इन चारों चीजों में से हमारे पास मान लीजिए कोई एक चीज नहीं है। अगर हमारे पास कॉफी पाउडर नहीं है तो हम कॉफी बना पाएंगे क्या बेटा? नहीं। अगर हमारे पास दूध नहीं है तो हम नहीं बना पाएंगे। अगर हमारे पास शक्कर नहीं है तो नहीं बना पाएंगे, है ना बेटा। तो कॉफी बनाने के लिए इन सारी चीजों को हमको एक निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ेगा, है ना। समझ रहे बेटा? ठीक उसी तरह से कोई भी बीमारी होने के लिए ना बेटा तीन फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर? तीन फैक्टर। पहला फैक्टर होता है बेटा एजेंट फैक्टर। क्या फैक्टर? एजेंट फैक्टर, जिसकी वजह से बीमारी होती है ना बेटा। और दूसरा होता है बेटा पोस्ट फैक्टर, जिसको बीमारी होती है ना। और तीसरा होता है बेटा एनवायरमेंट फैक्टर। एनवायरमेंट मतलब आसपास का हमारा वातावरण, है ना। तो इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कैंसर के संबंध में। एजेंट फैक्टर क्या है, पोस्ट फैक्टर क्या है और एनवायरमेंट फैक्टर क्या है ना। हमने कहा बेटा एजेंट मतलब जिसके कारण बीमारी होती है। एजेंट क्या है बेटा? जिसके कारण कारण बीमारी। और होस्ट का मतलब होता है बेटा मेजबान, है ना। जैसे मैं आज के प्रोग्राम की आप लोग की होस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं मेजबान हो गया और आप लोग क्या हो गए बेटा? आप लोग मेहमान हो गए, है ना। यस सर। जो दूसरा फैक्टर है होस्ट फैक्टर, मतलब जिसको बीमारी होगी उसको हम बोलेंगे होस्ट, है ना। और तीसरा फैक्टर बेटा आपका एनवायरमेंट फैक्टर। एनवायरमेंट मतलब कि आसपास का हमारा वातावरण, वातावरण, है ना। यस सर, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए बेटा? यस सर, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं एजेंट। एजेंट क्या होता है, किसके कारण से बीमारियां होती हैं, है ना बेटा। तो जनरली जो बीमारियां होती है ना बेटा वो तीन कारणों से होती है। एक को हम बोलते हैं बेटा आपका फिजिकल एजेंट, है ना। मतलब इसको अगर हम और मोटे शब्दों में बांटे ना बेटा तो दो तरह से बांटेंगे। एक को हम बोलेंगे नॉन लिविंग, एक को बोलेंगे लिविंग। एक जो निर्जीव चीजों के कारण हमको बीमारी होती है और दूसरा जो सजीव चीजों के कारण बीमारी, ठीक है बेटा। यस सर, यस सर। आप कुछ ऐसी नॉन लिविंग चीजों के बारे में बताइए, कुछ ऐसी निर्जीव चीजों के बारे में बताइए जिसके कारण हमको बीमारी होती है। जैसे बेटा गर्मियों के दिनों में देखिए तेज धूप लग जाने से हमको लू लग जाता है ना। पर धूप जो है एक निर्जीव चीज है ना बेटा।
अभी जैसे मान लीजिए आज बदली किया हुआ है, हमने रेनकोट नहीं लाया, छाता नहीं लाया, अचानक हम भीग गए, उससे हम बीमार पड़ जाते हैं, वो भी एक निर्जीव चीज है ना। मान लीजिए हम जो है हम जो है सब्जी बना रहे हैं, चाकू से काट रहे हैं, हमारा हाथ कट गया, हाथ कटने से हम बीमार पड़ गए, वो भी एक निर्जीव चीज है ना बेटा। यस सर। जितनी निर्जीव चीजों के कारण हम बीमार पड़ेंगे उसको हम बोलेंगे बेटा नॉन लिविंग, है ना। यस सर। यस सर। और कुछ सजीव चीजों के कारण हम बीमार पड़ते हैं, जैसे कि बेटा बताइए जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स, है ना बेटा, ये सब सुने हैं बेटा, जीवाणु, विषाणु, कवक, और जो परजीवी होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना। जैसे कोरोना कोविड में क्या है बेटा, कोविड के वायरस का नाम क्या है, है ना, कोविड 19 खुद एक वायरस है ना बेटा, एक वायरस है ना ये, जिसके कारण हम बीमार पड़ रहे हैं। यस सर। जी सर जी। तो बेटा एक तो नॉन लिविंग थिंग होती है और एक लिविंग थिंग होती है जो हमको बीमार कर सकती है, है ना। तो कैंसर के लिए अगर हम बात करेंगे कि कैंसर के एजेंट क्या है बेटा, फिजिकल एजेंट, सबसे पहले क्या बात किया हमने, फिजिकल एजेंट, है ना। पहला है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा रेडिएशन, रेडिएशन, रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं बेटा विकिरण, है ना, विकिरण। ये हमको दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे आसपास मौजूद रहती है, है ना। जैसे एकाध रेडिएशन, एकाध विकिरण का नाम बताओ, अल्ट्रावायलेट विकिरण, हाँ थर्मल रेडिएशन, वेरी गुड बेटा। और हाँ बेटा यूवी किरण, आपने जो बोला बेटा यूवी किरण मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य की रोशनी है ना, हमारी ओजोन परत है बेटा वो अल्ट्रावायलेट को सोख लेती है। yes, पर आज बढ़ते प्रदूषण के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ये जोन कितने बहुत बड़े हो गए हैं बेटा, आप लोग सुने हैं ना जी। यस सर। है ना। yes, तो जब उसमें से सूर्य की किरणें छन करके नहीं आ पाती है, तो वही जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे शरीर पे पड़ती है, हमारी स्किन पे पड़ती है, है ना बेटा। यस सर। है ना। अच्छा, और कौन से रेडिएशन बेटा बताइए, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट हो गया बेटा। और सबसे इम्पोर्टेंट रेडिएशन जो आज आपके और हमारे सबके बहुत नजदीक है, अभी हम लोग ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो है वो हमारे नजदीक है, क्या है बेटा, वो मोबाइल का रेडिएशन बेटा। यस सर। मोबाइल, जो हमारा ये मोबाइल है बेटा, ये रेडिएशन से तो चलता है, जो हमको नेटवर्क मिलता है, है ना। जिस जगह पे रेडिएशन नहीं पहुंचते हम लोग पहुंचते हैं वहां पर, नेटवर्क ही रह रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, है ना बेटा। यस सर। ये जो फिजिकल एजेंट में सबसे पहला है रेडिएशन, है ना बेटा। रेडिएशन मतलब कि बहुत सारी किरणें। आप लोग एक्सरे कराए हैं बेटा कभी? यस सर। एक्सरे के बाहर में लिखा रहता, देखिएगा कि ये खतरनाक किरणें हैं, है ना। और खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको उस रूम में जाने से पहले विशेष रूप से सावधानी रखना है, ऐसा लिखा हुआ आपने देखा है बेटा? यस सर। है ना। तो ये एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, इससे भी बहुत ज्यादा रेडिएशन हमको मिलते रहते हैं, है ना। अब क्या होता है बेटा, देखिए ये जो रेडिएशन होते हैं, है ना, आप ये मतलब ये कल्पना कीजिए बेटा कि आपका पूरा कॉलेज एक सेल है ना। जैसे हम लोग एक बात किए थे कि कॉलेज को हमने एक कोशिका माना था, है ना। अब yes, sir. मान लीजिए आपके कॉलेज में जो आपके प्रिंसिपल सर का रूम है ना बेटा, जो प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैडम, कौन है बेटा, सर है कि मैडम है आपके यहाँ? सर है सर। अच्छा सर है। तो जो प्रिंसिपल सर का रूम है, अगर प्रिंसिपल सर के रूम में किसी ने बम गिरा दिया, है ना, किसी आतंकवादी ने वहां पर बम गिरा दिया, है ना, तो उसके बाद क्या होगा, प्रिंसिपल सर का कंट्रोल खत्म हो जाएगा बेटा कॉलेज से, समझ रहे हैं ना। Yes, तो ठीक वैसे ये जो रेडिएशन होते हैं, ये जब हमारे सेल के न्यूक्लियस से होकर गुजरते हैं, जब वो न्यूक्लियस से होकर के गुजरते हैं, न्यूक्लियस को डैमेज कर देते हैं, है ना बेटा। और न्यूक्लियस yes, को डैमेज करने की वजह से न्यूक्लियस का सेल पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, और फिर उस सेल में पागलों की तरह डिवीजन होता है, और हम बोलते हैं कि उसमें कैंसर हो गया, है ना बेटा। यहां तक समझ गए? यस सर। है ना।
सबसे पहला कारण है इसका फिजिकल एजेंट जिसमें कि रेडिएशन है ना। यस सर। ठीक है बेटा, यहाँ तक अपन समझ गए। यस सर। अब दूसरा इसका जो एजेंट है बेटा, सेकंड एजेंट जो है वो है केमिकल है ना। केमिकल समझ गए आप लोग? हम जाने अनजाने में बहुत सारे केमिकल्स के संपर्क करते हैं है ना बेटा। कुछ केमिकल्स को हम जो है डायरेक्टली अपने मुंह से खाते हैं, कुछ केमिकलों को हम अपने नाक से जो है धुएं के संपर्क में रहते हैं उससे लेते हैं है ना बेटा। बताइए एक ऐसा ऐसा खतरनाक केमिकल जो जानते हैं कि ये खतरनाक है फिर भी हम उसको खाते हैं। हाँ बेटा, कुछ ऐसे केमिकल्स बताइए जो हम जानते हैं कि हमारे लिए खतरनाक है फिर भी हम उसको खाते हैं। सर कीटनाशक। शौक से खाते हैं या मजबूरी? सर कीटनाशक। हाँ बेटा, मार्केट में जितनी सारी दवाइयां मिल रही हैं, इतना दूध मिल रहा है, सब मिलावटी मिल रहा है बेटा, उसमें कहीं ना कहीं पर केमिकल डाल दिया गया है ना। हाँ, उसको हम जो है जाने अनजाने में खाते हैं और वो केमिकल जो है हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। और बताइए बेटा, नशे की चीजें हम लेते हैं सबसे खतरनाक, जैसे तो किसी भी फॉर्म पे अगर लिया जाता है ना, और बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं, बहुत सारे ऐसे पिल्स होते हैं है ना, एंटीबायोटिक दवाइयां हम खा लिए, कभी दर्द की दवाई खा लिए, कभी बुखार